तो पलवल जिले में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से जारी है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में काफी जोश दिखाई दे रहा है। जिले में अभी तक 2,06,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जी, मैं कहना चाहूँगा, पलवल जिले के अंदर वैक्सीनेशन का कार्य जो शुरू हुआ वो जनवरी माह में शुरू हुआ। शुरुआत के अंदर सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को, उसके बाद तीसरी स्थिति जो आई उसके अंदर वैक्सीनेशन शुरू की अबव 60 वालों। अबव 60 में मेजर पॉपुलेशन कवर हो चुकी है। और फिर तीसरी चौथी स्थिति में हमने 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू की। उसके अंदर कुछ लोगों में मिथ्याएं थी कि हम लगवाएं ना लगवाएं इस प्रकार से। और अब जो वो चल रहे हैं, प्रेजेंट स्थिति है वो है 18-45 के लिए भी ओपन हो गए हैं, बिलो 45 एज ग्रुप के लिए। युवाओं में बहुत जोश है वैक्सीनेशन को लेकर। वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवाई है जो कि कोरोना से लड़ने के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है, और सिर्फ कोरोना से नहीं और अन्य बीमारी से लड़ने की क्षमता देती है शरीर को। तो सभी को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि देश कोरोना से लड़ सके और आगे बढ़ सके। मैं स्पेशली वैक्सीन लगवाने फरीदाबाद से आया हूँ और मेरी सारे अपने साथियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि ये महामारी से हम सिर्फ वैक्सीन लगवाने से बच सकते हैं। कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा लगातार जो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, वहीं सामाजिक संस्थाएं भी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लगातार जिस तरह से लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यह टीकाकरण अभियान अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा और कोरोना महामारी पर रोक लगने में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह तिवारी। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चला रखा है। पिंजौर खंड में आने वाले सभी गांवों में वैक्सीनेशन का कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य भी जोरों शोरों पर चलाया जा रहा है। कैंप में पिंजौर अर्बन पॉलीक्लिनिक के डॉक्टर राजीव भारद्वाज के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा लोगों को टीकाकरण किया गया है। साथ ही डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि कई गांवों में इंटरनेट का सिग्नल डाउन होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और पर्याप्त सिग्नल वाली उचित जगह ढूंढकर ही कैंप यहां पर लगाए जाते हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को रोकने के लिए प्रयास के तहत सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस जारी कर रखी है, लेकिन चरखी दादरी की सब्जी मंडी में आने वाले लोग लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाने के साथ साथ लोग बिना सब्जी मंडी में बिना मास्क के नजर आते हैं। प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान किए और साथ ही सख्त हिदायत भी दी कि जो भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही हिदायत ये भी दी कि जो भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ विभाग एक्शन भी लेगा।